हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपीज जंक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे और आपने लाइक किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी, वो है चिकन लाजवाब। तो चलिए हम देखते हैं कि उसे कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है और आप आराम से इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया हुआ है। अच्छे से उसको पहले धो लीजिएगा, ठीक है। और उसमें हम अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखी हुई है, वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, बाद मैंने यहाँ पे ये जो रोस्टेड धनिया, जीरा और मिर्च पाउडर है, इसमें मिर्च थोड़ी तेज है, तो आपको जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप लेकर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल स्पून के करीबन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही ली हुई है, आप ये इसमें डाल लीजिए। चलिए, और इसमें फिर हम लोग थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे अच्छे से। देखिए, तो मैंने इस तरह इसे मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो आप इसे 1 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद आगे के हम प्रोसेस करेंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा हुआ है। देखिए, मैंने चॉप्ड ओनियन रखे हुए हैं, चॉप्ड टोमेटो रखे हुए हैं। अब हम इसे मसाला पीसेंगे इसका। मैं इसमें 2 पार्ट करने वाली हूँ। इसका आधा पार्ट हम इसे मसाला पीसने में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है इसमें, और यहाँ पे मैंने ड्राई रेड चिलीज भी ली हुई है कलर के लिए। तो पहले हम इसे आधा प्याज हम इसमें डाल देंगे और आधा प्याज हम बाकी चिकन में यूज करते हैं। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप मिर्च भी इसी टाइम डाल सकते हैं, तोड़ के डालिए। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है दोस्तों, और चिकन भी बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा लाल रेडिश होने तक आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है, सॉटे करना है। यहाँ पे मैंने ये 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए थे, कटे हुए चॉप लिया हुआ, और यहाँ पे 3 मीडियम साइज टोमेटो भी लिया हुआ। तो अब हमें इसे देखना है स्टेटस क्या है। इसे फास्ट फ्लेम पे अच्छा रेडिश कर लीजिएगा, सॉटे कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पे अपने जो ओनियन हमने फ्राई करने रोस्ट करने लगे थे, देखिए इस तरह से इसका कलर हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा आपके चिकन में। तो चलिए, अब हम इसे ठंडा होने के बाद पीस लेते हैं। बंद कीजिए गैस को, ठंडा होने दीजिए, फिर हम लोग इसे पीस लेंगे। देखिए, तो मैंने यहाँ पे वो जो मसाला हमने पीसा था वो इस तरह से दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इस पेज से। तो चलिए, हम आप प्रोसेस देखते हैं। मैंने 1 घंटे तक जो मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन है वो मैंने निकाल लिया है बाहर, और अब हम बनाने की प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने डाला है। तेल थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिएगा, क्योंकि चिकन है तो थोड़ा तेल ज़्यादा होने से बहुत टेस्टी होता है। तो उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी नमक डाल दिया है, तो ध्यान से नमक डाल दीजिए। हम इसे सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका स्टेटस क्या है। चलो, ये सॉफ्ट और मशी हो गया है। हम इसे ज़्यादा इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि इसे इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। तो चलिए, आगे के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। हम अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। और
और इसके बाद जाएगी ये हल्दी। और मैंने यहाँ पे मार्केट में आसानी से मिलता है चिकन मसाला, कोई भी चिकन मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप अभी से डालेंगे। मैंने करीबन 2 टेबलस्पून के करीबन इसमें डाला हुआ है चिकन मसाला, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। चलिए आप अभी से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देख के, चारों तरफ से तेल ऑयल छूटा हुआ है, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। चलिए अब आते हैं ये चिकन डालने की बारी, इसमें चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ है। अब इसे अच्छे से इस मसाले के साथ मिलाएंगे। बहुत ही यम्मी लग रहा है ये देखिए। अच्छे से मिला चुकी हूँ और अब हम इसे धीमे आंच में ढक्कन लगाकर पका देंगे। इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिएगा। अब हम मिलेंगे 20-25 मिनट बाद। चलिए तो आइए हम इसका स्टेटस देखते हैं। वाव, बहुत ही लाजवाब लग रहा है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हमें देखना है कि इसे और कितना टाइम लगेगा, बस और 10-15 मिनट की बात है, आपकी डिश रेडी हो जाएगी। चलिए तो और इसे पकने दीजिए, मैं फिर से लीड लगा दूंगी। चलिए तो हम देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए पक चुका है ये, आप इसे देख सकते हैं। चलिए तो ये हमारी लाजवाब डिश रेडी है, हम इसे अब सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये लाजवाब लग रहा है देखने में, भी कलर बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आप आपके घर में भी ये लाजवाब डिश बनाइए और अपने